स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, स्टार्ट करते हैं। कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। जल्दी रेज हैंड करो। हाँ मिताली, आप करोगे? यस सर। उस दिन हमारा कुछ हुआ था, हमने कुछ स्टार्ट किया था क्या बच्चे? नहीं, हमें आज शुरू करना था। ओके रिया। हाँ सर, आप तन्वी को भी अनम्यूट कर सकते हो। हाँ बोलो सर। आप एक्चुअली थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, मतलब हर एक स्टेटमेंट का। लास्ट जो चैप्टर था ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर कॉन्सेप्ट्स को समझने में, प्लीज। मतलब समझा नहीं, जैसे सर लाइक हर एक जो सेंटेंस है ना, उसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन रीजनिंग के साथ, क्योंकि आप अभी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जो भी आप लोगों को नोट्स दिए हैं, दैट इज मोर देन इनफ एट मेंस लेवल। मतलब आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो उससे ज्यादा ही है, वो समझ में आ जाएंगे। बस क्वेश्चन डिस्कशन बाकी है, जैसे गॉस लॉ का बाकी है हमारा। हमने आई थिंक उसका तो कर रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट? यस सर। है ना, अपन इस चैप्टर अभी गॉस लॉ का रख लेंगे, कल रख लेंगे, या तो जो भी है मैं बता दूंगा आपको, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में अभी मैंने जो नोट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स, इनको मैं एक एक करके आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर, आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं एक्सप्लेन करने में वो पॉइंट्स? कौन से वाले बच्चे? मतलब जो आप नोट्स के पॉइंट्स जो डिस्कस करते हो, जैसे आप अभी करने वाले हो, उसको आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो, थोड़ा स्लोली? हाँ सर। तो मैंने हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट टेकन। और आपको कहीं भी दिक्कत आए ना, तो आप प्लीज रेज हैंड करके डिस्कस किया करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो तन्वी ऐसा करते हैं, अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके सर। लेकिन सर मेरे इधर थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है बीच में। अब कोई बात नहीं, जब डिस्टरबेंस होगा तो फिर मैं रिया के साथ देखूंगा। ओके सर। तो अभी वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ न्यू चैप्टर, कैपेसिटर। इसमें पहला पॉइंट ये है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है। यस सर। ओके, कैसे स्टोर करता है, कितनी करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है सर। इस डिवाइस को हम कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है सर। आई रिपीट, कितनी करता है, कैसे करता है, ये सब अपन बाद में देखेंगे। यस सर। जब एनर्जी स्टोर करता है तो क्या होता है, उस एनर्जी को हम बाद में यूज कर सकते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। यस सर। एक प्रॉपर्टी है जिस द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर जो कैरेक्टराइज करती है एनर्जी को स्टोर करने को, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है कैपेसिटेंस। यस सर। ओके, एंड एनर्जी स्टोर्ड, जब एनर्जी स्टोर करता है तो उसके कारण उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है। ठीक है, ये सब अभी अपन देखने वाले हैं 5 से 10 मिनट के बाद, फील्ड कैसे आती है, एनर्जी कैसे स्टोर करता है, वो सारी चीज। ओके हाँ रिया बोलो बच्चे। हाँ सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो रेज हैंड कर लो बच्चों, कॉपी कर लो जो भी लिख रहे हैं।
बहुत ज्यादा विद इट कनेक्टेड नहीं है बट थोड़ा है कनेक्टेड। हाँ तन्वी और मिताली आप दो ही बच्चे बचे हो गया क्या? यस सर मेरा हो गया था। मिताली हाँ सर सिर्फ एक क्वेश्चन था मतलब इसके बारे में नहीं बस रीडिंग के बारे। हाँ सर डीसी पांडे में जो रीडिंग मटेरियल दिया है वो भी चलेगा राइट अगर मतलब वो कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब मेंस के लिए काफी है ज्यादा ही है मेंस से तो ओके सर। फाइन अब बेसिकली ये क्या करता है एनर्जी स्टोर करता है राइट? यस सर। अब एनर्जी स्टोर करता है तो एनर्जी कैसे स्टोर करता है? एनर्जी स्टोर करता है चार्ज स्टोर करने के बाद। ओके सर। ठीक है तो कैपेसिटेंस निकालते हैं बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी या कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या उसकी कितनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की या फिर एनर्जी स्टोर करने की। ओके हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते हैं। पहले आइसोलेटेड कंडक्टर मैंने लिया स्फेरिकल कंडक्टर एक स्फीयर। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर पे जो भी चार्ज स्टोर होगा वो तो उसकी सरफेस पर ही होगा क्योंकि अंदर तो होता नहीं है। यस सर। अगर सरफेस पर ही होगा तो उसका पोटेंशियल कितना होगा ऑन इट या इनसाइड इट के क्यू बाय आर। यस सर। राइट। यस। जहां पे वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू क्योंकि के और आर दोनों कांस्टेंट है फॉर अ गिवन कंडक्टर दोनों कांस्टेंट है करेक्ट। यस। तो मैं क्या कह सकता हूँ पोटेंशियल को अगर बढ़ाना है तो चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा। यस। राइट। तो हम क्या देख सकते हैं आएगा पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग चार्ज करेक्ट। यस सर। अब हमें दिख रहा है क्यू बाय वी क्या है कांस्टेंट है क्योंकि v इज प्रोपोर्शनल टू q तो q बाय v क्या हो जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। यस सर। इस कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये होती है कैपेसिटी कि भाई आपने जितना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग चार्ज होना चाहिए उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा। यस। उस चीज को हमने डिफाइन किया कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है फैराड FARAD व्हिच इज 1 कूलम पर वोल्ट। ओके। यस करो नोट डाउन सर। वहाँ पे बोथ के एंड आर आर कांस्टेंट होना चाहिए ना आपने ए लिखा है या फिर वो आर है क्या? आर ही है बच्चे। ओके ओके सर सॉरी वो थोड़ा सा ठीक है।
आयुष रेजेंट करो, आपको क्या चाहिए? ये पेज क्लियर है? आयुष रेजेंट करो प्लीज जल्दी। आयुष मिश्रा, पता नहीं आप मैसेज लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? हाँ बोलो बच्चे। सर ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? पोटेंशियल कैन बी अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब इंक्रीज है? नो नो, दिस वन लास्ट वन, स्टार मार्क। हाँ पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज। सर ये स्टार पॉइंट, कैन यू रिपीट दिस स्टेटमेंट? कौन सा स्टार बच्चे? हाँ यही पॉइंट कह रहे हो ना? यही पॉइंट जो आपने मार्क किया था। शायद तो रहा हूँ, पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग चार्ज। ये इंक्रीज का वो है, मैं ऐसे लिखता हूँ इंक्रीज। ओके अच्छा ये भी कॉपी कर लो, अभी माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है तन्वी। यस सर। वैसे तो लास्ट में दिखा देता हूँ, आप ये पहले नोट डाउन कर लो। हाँ रचिता कर लो कॉपी, क्या चाहिए? हाँ आपका जो 22 को टेस्ट है उसमें गॉस लॉ भी आएगा, और कल इवनिंग में मैं गॉस लॉ का डिस्कशन रख रहा हूँ एचसी वर्मा का, टाइमिंग में आपको कंफर्म कर दूंगा। एनीवेज कैपेसिटेंस में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर की अगर बात करेंगे तो हमें पता है पोटेंशियल कितना होता है तन्वी? K Q by R होता है। यस सर। तो यहाँ से Q by V कितना आ जाएगा तन्वी? R by K। राइट, R by K is K is 1/4πε0 एयर में। यस। तो Q by V आ जाएगा 4πε0 R। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके यस सर, करो नोट डाउन।
राहिल रेज हैंड करो, डाउट है तो। ओके तन्वी। यस सर। एक सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी आ गई? 4.5 R आ गई। ओके यस सर। अब हमारा एजेंडा ये है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, और इसको हम है ना खुद से बनाते हैं, मतलब इन्वेंट करते हैं और इसको बेसिकली बनाकर हमारे डिवाइसेस में लगाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो भी डिवाइस बनाए उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। यस सर। करेक्ट। तो एक सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी तो इतनी आ गई, कैपेसिटेंस इतना आ गया। हम चाहते हैं इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, तो देखते जाना कैसे बढ़ा सकते हैं कैपेसिटेंस या इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, अगर मैं दो कंडक्टर ले लूं आजू बाजू, तो दो कंडक्टर लेने की वजह से तो आपका एक्चुअल कैपेसिटर था या आपका एक्चुअल कंडेंसर था उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैसे? अगर मैंने सिर्फ सिंगल कंडक्टर लिया, इस पे चार्ज क्यू मान लिया, पोटेंशियल वी वन मान लिया, तो इसकी कैपेसिटेंस कितना आ गया? क्यू बाई वी वन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ इसके पास में, फर्स्ट वाले के पास में, ये फर्स्ट वाला है। yes, इसके पास में नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आया, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आया, तो जो पॉइंट ए है इसपे पोटेंशियल नेट किसके कारण आएगा? वी ए विल बी इक्वल टू व्हाट? वी ड्यू टू प्लस प्लस वी ड्यू टू माइनस। और ये जो होगा ये नेगेटिव होगा। yes, पहले इनिशियली वी ए कितना था? V1 था, है ना? यहाँ पे VA फाइनल कितना होगा? V1 माइनस समथिंग। यहाँ पे कैपेसिटेंस आ रहा था Q बाय VA इनिशियल। यहाँ पे कैपेसिटेंस क्योंकि टच नहीं किया तो चार्ज तो उतना ही रहेगा। yes, तो C2 आ जाएगा Q बाय VA फाइनल, विच इज V1 माइनस समथिंग। ये V1 था। तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा तो C1 less than C2 आ जाएगा। yes, sir. समझा? तो अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर भी पास में ले आते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के कारण, है ना, नेगेटिव पोटेंशियल के कारण ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल कम हो जाता है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल कम हो जाता है तो उस वजह से ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। समझा क्या? यस सर। तो एट पॉइंट ए और एट एनी पॉइंट ऑन कंडक्टर वन इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर केप्ट नियर इट। लेट पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कंडक्टर बी माइनस वी डैश एट पॉइंट ए। तो v final at point A will be v due to first plus v due to second. Yes, sir. V final will be v1 plus minus of v dash. Yes, sir. V final आ जाएगा v1 minus v dash. समझा? Yes, sir. Charge on conductor one is still Q, क्योंकि वो तो isolated था, test तो किया ही नहीं किसी के। तो हम, but now capacitance will be C2 which is Q by v final. Yes, sir. Q by V1 minus V dash, right? Yes, sir. Which is not equal to C1. Yes, because C1 Q by V1 tha. In fact, dikh raha hai, dono ka numerator same hai, denominator jiska chota hai, that is C2. Yes, wo bada ho jayega C1 se. Clear hai kya point? Yes, sir. So by bringing a negatively charged object closer to initial object, we have increased its capacitance. Yes. Okay. करो नोट डाउन।
हाँ राहिल, बोलो वैष्णवी, क्या डाउट है बच्चे? सर अगर सेकेंड वाले पे चार्ज पॉजिटिव होता तो? नहीं, तो अपन डिवाइस बना रहे ना, राइट? तो यस सर, अपन तो वही डिवाइस बनाएंगे ना जो हमारे काम आ सकता है, यस सर, राइट? इंजीनियरिंग तो ओके इसमें सर, नेगेटिव लेकर आएंगे ना, राइट? ओके सर, यस सर, नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो बच्चों। कल बच्चों मैं पहले ही कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव वन, ऑब्जेक्टिव टू और पूरे एक्सरसाइज गॉस लॉ का करके रखना, कल शाम को डिस्कशन है। ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्रश्न भी नोट डाउन हो जाए तो प्लीज लोवर योर हैंड, समझ जाऊंगा मैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रेज हैंड कर लो बच्चों, लास्ट पेज। I will send notes after class, don't worry. Sahil.
स्टार्ट करें आगे बच्चे? तो अभी बस मैंने ये समझाया आपको, मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अगर सिंगल कंडक्टर रखते तो उसकी उसका कुछ कैपेसिटेंस आता, उससे ज्यादा कैपेसिटेंस तब आ जाता है जब उस सिंगल कंडक्टर के पास में एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर ले आए। ओके यस सर। अब हम पढ़ेंगे रियल लाइफ में जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं, दैट रियल लाइफ कैपेसिटर जो हमारे कोर्स में सिलेबस में, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है बच्चे इसका? हाँ, इसका मैं एक वर्किंग आपको बता देता हूँ कैसे बनती है, बनता है ये। यहाँ पे नीचे ग्रीन से बना रहा हूँ। एक पॉजिटिव प्लेट कंसिडर करी जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ओके यस। अब इस पे चार्ज है तो इसका कुछ पोटेंशियल और अकॉर्डिंगली कैपेसिटेंस होगा। अब क्या किया, न्यूट्रल प्लेट लेकर आया उसके पास में। ओके ओके सर। न्यूट्रल प्लेट लेकर आते ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यस सर, माइनस क्यू, और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा यस सर, प्लस क्यू। फिर क्या किया, इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करते ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है गायब हो जाएगा यस सर, और इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जीरो। जैसे यहाँ गायब हुआ यहाँ पे भी चार्ज क्या आ जाएगा बाहर की साइड, जीरो। यस। तो यहाँ भी चार्ज कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये जो प्लस क्यू था ये पूरा का पूरा कहाँ हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। यस सर। ये चार्ज तो कंजर्व है, करेक्ट? यस और नो? यस सर। इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो नेगेटिव प्लेट होती है वो बाहर से अर्थड होती है, इररिस्पेक्टिवली वो शो कर रखा है या नहीं कर रखा, वो हमेशा क्या होती है, अर्थड होती है। समझी क्या बात? यस। ठीक है, तो अब देखना, वही बता रहा हूं यहाँ पे, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है, ये अर्थड है बाहर से नेगेटिव प्लेट। ठीक है, इसमें हमने वायर से सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ओके यस सर। अब बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों, पॉजिटिव चार्ज की होगी अवे, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव की होगी टुवर्ड्स सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया था, हमने ये पढ़ा था कहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, yes, कि ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट जो फील्ड होती है अपने नियर अबाउट सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होती है। yes, हम जो प्लेट्स लेते हैं उनके बीच में गैप बहुत छोटा रखते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगी पॉजिटिव की अवे और नेगेटिव की टुवर्ड्स, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यस राइट। तो दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समझा? यस सर। दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डी रख रखा है, इस पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है और इस पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है, राइट? यस। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। यस सर। सिग्मा को चार्ज पर यूनिट एरिया लिख सकता हूं, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। यस सर। ओके, यहां तक क्लियर है? तो आगे देखना, आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए तो एक चीज और ऐड करता हूं यहाँ पे पॉइंट। वी नो डीवी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, यस विच विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यस राइट। क्यों, बिकॉज ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? यस। अब इंटीग्रेशन ऑफ वी ये आ गया हमारा, तो डीवी का इंटीग्रेशन आएगा वी, यस, माइनस ई डी आर का इंटीग्रेशन आएगा आर, और लिमिट्स डालूंगा, राइट?
तो लिमिट्स डालूंगा पॉजिटिव प्लेट वी प्लस या वी वन, यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो से वी टू, आर इक्वल टू डी, तो वी टू माइनस वी वन आ जाएगा मेरा माइनस ई इंटू वॉट बी माइनस जीरो. यस सर सॉरी, वी टू कितना है इक्वल टू जीरो, जीरो बिकॉज नेगेटिव प्लेट इज अर्थेड. यस सर. This implies what I can write 0 minus V1 is minus ED. Okay. Yes, sir. Or V1 is equal to ED. Yes, sir. Samjha? Yes, sir. Kyunki mera capacitance Q by V hota hai. Toh Q by V kitna aayega? एक मिनट यहाँ पे जगह, तो V1 आ गया था, इसको पीछे लिखते हैं ED. V1 is equal to ED. Let potential of plate one V1 V equal to V. So this implies V1 is equal to V is equal to ED, where E की value अभी हम निकाल के आए बच्चे Q by epsilon naught. Yes sir. Q by A epsilon naught. ये निकाल के आए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q by A epsilon naught into D. Yes sir. इसको हमने ये लिखा, right? Yes sir. So this implies Q by V कितना आ जाएगा, A epsilon naught by D आ जाएगा. Yes sir. अब as ये जो quantity है इसका देता हूँ, C is Q by V. तो Q by V कितना गया, epsilon naught A by D आ गया. समझा क्या? This is capacitance of a parallel plate capacitor where plates have area A and are separated by distance D. समझा? Yes. कैसे निकालते हैं capacitance? Yes. चार्ज कहाँ पे देखते हैं? पॉजिटिव प्लेट पे अंदर कितना चार्ज है उसी चार्ज को कैपेसिटर का चार्ज लेते हैं. करो नोटा. जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लो बच्चों.
प्रीवियस पेज मतलब ये वाला पेज चाहिए क्या आपका फूल? और ये 201120 आप रिटर्न क्या कर रहे हो ना बच्चों? आपको कौन सा पेज चाहिए आपको? आपने पहले क्यों नहीं रिटर्न किया? कशिश आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। पेज नंबर 8 के लिए जिनका भी बाकी है रिटर्न करो, एल्स लोअर योर हैंड प्लीज। कशिश अगर हो गया तो पेज नंबर 8 लोअर योर हैंड। करो नेक्स्ट पेज। जल्दी रिजेंट कर लो जो भी कॉपी करना है। श्वेता आपके लिए वेट हो रहा है बच्चे, दो बजे राउंड नोट डाउन होते हैं। ओके तन्वी यहाँ तक हो गया कॉपी? यस। समझ में आया अच्छे से? यस सर। देखो जो चीज मैंने ओरली बोली थी वो लिख दी है यहाँ पे, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेगेटिवली चार्ज प्लेट इज अर्थेड फ्रॉम आउटसाइड, हमेशा इट इज अर्थेड, इट इज ऑलवेज अर्थेड, सो दैट पोटेंशियल ऑफ टू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। Yes. का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ओके तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा, नेगेटिव अंदर आ जाएगा, या माइनस क्यू रहेगा या प्लस क्यू रहेगा, डेल्टा वी होगा वी वन माइनस वी टू, दैट इज वी वन माइनस जीरो और इक्वल टू वी वन। अदर नोट डाउन
पत्नी यहाँ तक क्लियर है? यस। अब हम एप्सिलॉन नॉट क्यों ले पा रहे हैं? मैंने इलेक्ट्रोस्टैट के स्टार्टिंग में बताया था, जब तक कहानी जाए तब तक मीडियम एयर या वैक्यूम लेते हैं, बट अगर मैं प्लेट्स के बीच में एक मीडियम डाल दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्मॉल के या एप्सिलॉन आर, तो उस केस में हमारा एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू के एप्सिलॉन आर। Yes, और एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो सी जो हमारा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी होता है एयर या वैक्यूम के लिए, ये चेंज होके क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए बाय डी। यस सर। या फिर एप्सिलॉन नॉट के इनटू ए बाय डी, समझा? यस। और मीडियम डालने का मतलब क्या है? ये प्लेट्स के बीच में हमने पूरा का पूरा मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, समझा? यस सर। नोट डाउन करो। इसको सेपरेट नोट लिख लो बच्चे, देविका वो नोट अलग था, इसको अलग से नोट लिख लो। वो नोट दैट वाज रिलेटेड टू क्या कहते हैं, प्लेट को हमने बाहर से अर्थिंग कर रखा है, ये नोट अलग है। इसमें मैं तीनों प्रॉपर्टीज को एक एक करके चेंज करूंगा। हर केस में नेगेटिव प्लेट को अर्थ कर रखा है साक्षी, दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे क्या होगा वो सब अलग है, हमेशा नेगेटिव प्लेट को अर्थ कर रखा है। अर्थ कर दिया तो नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा। सही है राहिल आपका पॉइंट। पता हो गया होगा, आई गेस आपका ही वेट हो रहा है। यस सर।
ओके इस तरीके से अगर मीडियम डाल दूंगा तो मीडियम में एप्सिलॉन आर आ जाएगा, एप्सिलॉन आर की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा क्योंकि हमें पता है एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अच्छा इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बच्चे? इफ वन ऑफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलली देन ओवरलैपिंग एरिया डिक्रीजेस। अभी क्या है प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है बिल्कुल, तो एरिया जो ओवरलैप हो रहा है वो ये है, सेम तो आपका जो एप्सिलॉन वो आ रहा है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ रहा है राइट। अब मैंने क्या किया नेगेटिव वाली प्लेट को नीचे खिसका दिया तो एरिया जो ओवरलैप होगा सिर्फ वो ये वाला होगा, लेट दिस बी एज ए डैश तो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए डैश बाय डी जो कि पहले वाले कैपेसिटेंस से अलग होगा, समझा क्या? यस सर। करो नोट डाउन। नेक्स्ट वही करेंगे अपन, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करेंगे, दैट विल बी आवर थर्ड पॉइंट। मैंने एक प्लेट को राहिल नीचे खिसका दिया है, जब नीचे खिसकाया तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग एरिया कम हो गया, तो जितना ओवरलैपिंग एरिया आएगा उतना ही यूज होगा कैपेसिटेंस में, मैंने ये बताया राहिल, समझा? ओके तन्वी, पॉइंट नंबर थ्री देखते हैं बच्चे। इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मतलब डी की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो अकॉर्डिंगली कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ जाएगा, राइट? तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, ठीक है? तो कुछ बच्चों को ये डाउट आता है कि सर डी तो बहुत कम कर दो,
ताकि कैपेसिटेंस बढ़ जाए, हमारा एजेंडा तो कैपेसिटी बढ़ाना है, राइट? बट बियॉन्ड अ पॉइंट हम कर नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन ये है, फोर्स लगती है दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में आपस में. कैसे फोर्स लगती है देखते जाना. यहाँ पे प्लेट वन है जिसपे चार्ज पॉजिटिव लिया प्लस क्यू, नेगेटिव पे लिया माइनस क्यू. जब प्लेट टू पे फोर्स देखना है तो फील्ड वन का होगा और चार्ज टू का होगा, राइट? यस. फील्ड होगा वन का सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट. फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय फील्ड ऑफ वन. यस. चार्ज ऑफ टू इज माइनस क्यू. यस सर. इनटू क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट. यस सर. तो ये क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा. यस सर. तो फोर्स क्या अट्रैक्टिव है? यस. राइट. Yes. Force between them is attractive. इसको capacitance के terms में लिखेंगे तो वो D पे dependency create करेगी. समझा क्या? Okay. है ना? तो note down करो. रिजाइन कर लो बच्चे, जो भी कॉपी करते हैं. सिर्फ तीन बच्चे थोड़ी करते हैं. नहीं, मैंने सभी नोट्स नहीं भेज सकता, लेक्चर के बाद ही भेजूंगा.
ओके तन्वी, यहां तक हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट कॉपी कर लो, और नीचे एक क्वेश्चन है, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर दे रखा है तन्वी, जिसमें अंदर पॉजिटिव प्लेट है जिसका रेडियस ए है, बाहर नेगेटिव प्लेट है जिसका रेडियस बी है, और नेगेटिव प्लेट को बाहर से हमने अर्थ कर रखा है। हमसे पूछा है कैपेसिटेंस कितना होगा, तो तन्वी कैपेसिटेंस निकालने के लिए फंडा क्या होता है, माइक ऑन करो। यस सर। क्यू बाय वी। यस सर। क्यू पता है, वी निकालना है। Yes. वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी निकालने के लिए आप यूज करोगे किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट? ट्राई करो, ठीक है, कॉपी कर लो ये पेज और ट्राई करो, यू हैव 3-4 मिनट्स, रेज हैंड कर लो बच्चों। देवी का गलत है, लास्ट 1 or 2 मिनट्स।
ये B2 क्या लिखा है बच्चे आप लोगों ने? B2 क्या है? B2 तो कुछ नहीं है, अपूर्व और राहिल। B2 नहीं आएगा। चलो लोअर योर हैंड्स एवरीवन, कैन वी डिस्कस करें? यस सर। तो इस केस में हमें फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस मान लिया k³/r², ये r वेरिएबल है तो फील्ड वेरिएबल होगा। यस सर। तो dv -e.dr। यस सर। dv का इंटीग्रेशन v माइनस e की जगह डालूंगा k³/r² dr। यस सर। माइनस के क्यू बाहर 1/r² का माइनस 1/r a से लेके b तक v v a v b राइट। यस सर। तो v b माइनस v a कितना आ गया? k क्यू a माइनस 1/b माइनस 1/a, नेगेटिव साइन बाहर ले लिया तो राइट। अब v b माइनस v a आ गया k क्यू, एलसीएम लेते 1/b - 1/a था ना, तो a - b / ab करेक्ट। यस सर। अब हमें va - vb निकालना है क्योंकि va हायर पे होगा, vb लोअर पे होगा, जीरो पे होगा। यस सर। तो va - vb आ गया k³b - a / ab। यस सर। राइट। कैपेसिटेंस सिंपल है, q/v होता है। यस सर। तो q/va - vb, तो q/va - vb डालेंगे तो ab/k × b - a। यस सर। राइट। यस सर। vb का पोटेंशियल जीरो है बिकॉज इट इज ग्राउंडेड चार्टेड। तो सी आ गया ab/this या 4π ε₀ab/b- है राइट। अब देखना आइसोलेटेड कैपेसिटर जहां से हमने स्टार्ट किया था आज, वहां कैपेसिटेंस कितना था? 4π ε₀ r था। यस सर। यहां पे 4π ε₀ a × b / b - a है, मतलब बढ़ गया। यस। रेडियस तो है ही और डिनोमिनेटर में कम हो रहा है राइट। क्लियर है? यस सर। ओके करो कॉपी।
नेक्स्ट पेज कॉपी करो बच्चों। बोलो रिया सर। तो बेसिकली जो वो प्रीवियस आइसोलेटेड कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर वाला था उसके कंपेयर्ड कैपेसिटेंस बढ़ गया है। करेक्ट। ओके सर। बेसिकली ये ज्यादा चार्ज और ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। कितना एनर्जी करेगा वो अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है? हाँ ओके सर। ओके नोट डाउन होते हैं, प्लीज लोवर योर हैंड्स। हाँ बच्चे मैं ग्रुप पे डालूंगा नोट्स, डोंट वरी।
हाँ बच्चे सर वो बीए किधर गया वहां से? बीए माइनस बीबी ये था? हाँ सर। क्यू अपॉन बीए माइनस बीबी क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से? ए बी अपॉन के अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। हाँ सर समझा। हाँ सर ओके सर ओके। तन्वी यस सर आप कल के लेक्चर तक गॉस लॉ वाला पूरा करके रख सकते हो? मतलब एचसीवी सर पूरा। एचसीवी यस सर हो जाएगा। मैं तो दे रखा था पहले ही होमवर्क राइट। यस यस सर। तो कल अपन डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक है बच्चों। किसी को कोई डाउट है तो रेज हैंड कर लो।